ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद विशाल जुट की रिहाई के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की बात। क्या अब जल्दी विशाल जुट लौट आएंगे अपने देश? नमस्कार, मैं हूं मुदित और आप देख रहे हैं तथ्य दर्पण। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में किसान आंदोलन किया जा रहा था। इस दौरान आंदोलनकारी भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे थे और भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। वहीं पर मौजूद विशाल से यह सहन नहीं किया गया और देशभक्ति दिखाते हुए उन लोगों का विरोध करने लगा। उन्होंने तिरंगा लहराया और अपने देश के प्रति आवाज बुलंद की, लेकिन वहां पर मौजूद विरोधी प्रदर्शनकारियों से यह सहन नहीं किया जा सका और उसके साथ मारपीट करने लगे, जिसके बाद मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 24 वर्षीय विशाल जुट पर इस साल सिडनी में संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक सिखों के ऊपर घृणा के प्रति कई मामलों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं और वह ऑस्ट्रेलिया की एक जेल में बंद है। यह बात जब देश में फैली तो विशाल की हिम्मतों की तारीफ की गई। देश में कई लोगों ने ट्वीट कर उनकी रिहाई की बात कही, जिसे देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद राज्य के एक मुख्य युवक की रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने को कहा है। शेर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जुट की रिहाई के लिए करनाल और हरियाणा के जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राज्य के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग निर्देशालय से एक ट्वीट में कहा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर हरियाणवी युवक विशाल जुट की रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए उनके हस्तक्षेप करने को कहा है, जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है। ट्वीट में कहा गया है कि सिडनी में तिरंगे के मान के लिए हरियाणा के युवक विशाल जुट ने राष्ट्रीय विरोधी ताकतों से दृढ़ता से लड़ाई की और तिरंगे का अपमान नहीं होने दिया। इसमें कहा गया है कि विशाल के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया में कई सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। विशाल के समर्थकों का दावा है कि राष्ट्रीय विरोधी ताकतों ने उसे पीटा है और बाद में एक झूठे मामले में उसे फंसाया गया है, जिसके बाद उसे जेल में भेज दिया गया है। ट्वीट में यह भी बताया गया है कि जयशंकर ने युवक की रिहाई के लिए कदम उठाने को लेकर खट्टर को आश्वस्त किया है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप भी विशाल के समर्थन के लिए आगे आए और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।